नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीटी सिखाई में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बीसीए जो फर्स्ट सेमेस्टर के इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर हमने 5 निकाला, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में देखते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इससे पिछले भी हमने काफ़ी क्वेश्चन बीसीए के इम्पोर्टेंट बनाए हैं, जिन्हें भी आप सीख सकते हैं। हम अधिक नहीं बताएंगे, केवल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टिंग बताते हैं। लिमिट एंड कंटिन्यूट के हमने बता दिए थे, उसके बाद एक चैप्टर और था, ये तीसरा हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इवेल्यूएट द डबल इंटीग्रेशन, यानी कि इसमें डबल इंटीग्रेशन हमें करना है। एक तो है जीरो से ए, एक है जीरो से बी, दो इंटीग्रेशन सिंबल भी हैं। इसके बाद ये हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इसका हमें एक बार एक्स के सापेक्ष करना है, एक बार वाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलिए इजीली इसे करते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड देखा, यानी कि सबसे पहले राइट साइड में तो डी वाई थी, लेफ्ट साइड में डी एक्स थे, इसलिए हम पहले एक्स के हिसाब से अवकलन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन इसका करेंगे, समाकलन, ठीक है। तो देखिए, जीरो से ए ऐसे ही हमने इधर रख लिया, इसके बाद एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर हमने बी को ले लिया, क्योंकि सबसे पहले हम अंदर से ही करें, इधर से अंदर अंदर वाले फंक्शन को पहले हम करेंगे, ठीक है। जीरो से बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, अभी हमने केवल फॉर्मेट तैयार कर लिया इस तरीके से, ठीक है, डी वाई। इसके बाद हमने इक्वल टू जीरो से ए लिमिट लगाई। अब आप देखिए, केवल एक्स के ही सापेक्ष करेंगे, बाय को कांस्टेंट क्रिएट करेंगे, ट्रीट करेंगे, ठीक है, बाय कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तब इंटीग्रेशन एक्स का हमारा इसमें क्या होता था, यानी कि एक पावर एड हो जाती थी, अपान में एक पावर हो जाती थी। भाई यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स पावर थ्री हो जाएगी, अपान में थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स पावर थ्री अपान थ्री हो गया प्लस। अब देखिए, यहाँ पर बाई स्क्वायर है, तो बाई स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर वन भी है, वो हाइड है, मान लीजिए यहाँ पर वन मान के चलते हैं, तो वन का हमारा एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, इस वजह से, ठीक, बाई स्क्वायर हमारा सेम रहा वैसा ही। इसके बाद अब हमने इसके ऊपर अपनी लिमिट अप्लाई कर दी है, ठीक डी वाई। अभी हमने इसमें पुट नहीं की लिमिट, केवल हमने इसी शो करा दिए, ठीक डी वाई। अगली लाइन में हम आए, देखिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लिमिट इसमें अप्लाई कर ली, यानी कि जिस जगह पे हमारा एक्स होगा, वहाँ पर सबसे पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे और बाद में लोअर लिमिट घटाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक्स था हमारा ऊपर, एक्स की जगह पे हमने बी पुट कर दिया, अपर लिमिट लगा दी, ठीक, एक्स की जगह पर, बस प्लस एक्स की जगह पर फिर से अपर लिमिट लगाई। अब आप देखिए, अगर हम इसमें से लोअर लिमिट लगाएंगे भी, तो वो तो जीरो हो जाएगी, ठीक, यानी कि अगर हम इसमें से अगर हम लोअर लिमिट लगा के घटाएं, तो वो तो जीरो ही रहेगी, इसलिए हमने उसे दिखाया ही नहीं, खाली समय वेस्ट करें, केवल इतना ही कर लिया हमने। अब इसके बाद इसका अब हम बाई के सापेक्ष करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये तो हमारा कांस्टेंट इतना रहेगा, ठीक, तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तो बन तो होगा ही, ठीक। तो बन का अब हम करेंगे उसका समाकलन, तो बन का क्या होता है, बाई के सापेक्ष करें, इसलिए बाई होगा, जैसे वहाँ पर एक्स के सापेक्ष किया था एक्स हो गया था, यहाँ पर बाई के सापेक्ष करें, इसलिए बाई हो गया, ठीक, ये कांस्टेंट इतना ही रहा प्लस। अब देखिए, बी तो यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक, बाई स्क्वायर का हमें करना है, तो एक पावर ऊपर जुड़ जाएगी, और जितना ऊपर घात होगी उतना ही नीचे हो जाएगा, तो बाई घात थ्री अपान थ्री हो गया, ठीक। लिमिट हमने जीरो से ए इसमें अभी अप्लाई नहीं की, अभी हमने शो करा दिया भाई, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर बी होगा, उस जगह पे हम लिमिट अपर लिमिट लगाएंगे, उसमें से लोअर लिमिट लगा देंगे। तो देखिए, बाई की जगह पे हमने ए लिखा, और बी की घात थ्री अपान थ्री, जो तुम्हारा इतना पहले ही सही था, प्लस बाई ऐसे ही रहा, और बी ऐसे ही रहा, बाई की जगह पे हमने ए लिखा अपान थ्री। अब लोअर लिमिट लगाएंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर जीरो की जगह पर कोई और संख्या होती, मान लीजिए कोई नंबर होता है डिजिट, तब हमें करके दिखाना आवश्यक था। जब भी जीरो हो, आप भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जहाँ पर दोनों चीज़ें सेम है, उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी ए है, बी है, यहाँ पर भी ए है, बी है, यहाँ पर भी, तो ए बी और वन अपान थ्री पूरे से कॉमन है, तो उसे निकाल लिया, वन अपान थ्री ए भी कॉमन निकाले, तभी ए स्क्वायर बचा यहाँ से, इधर हमने आगे लिख लिया इसे, ठीक, ए स्क्वायर और प्लस यहाँ से बी स्क्वायर, बस कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई हो, तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो के क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद, नाइस डे।